हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैंने सुबह 10:15 बजे मैंने शुरू कर लिया है। अभी मैंने नाश्ता कर लिया है। नाश्ता करने के बाद मैंने आपको अपने घर का हाल दिखाना है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, देख रहे होंगे आप लोग, ये कपड़े पड़े हुए धोने के लिए। ये कपड़े धोने के लिए रखे, या मशीन लगाइए, या मशीन लगाई और मशीन में पानी भर गया और यहाँ पर मैंने ये लगा दिया स्विच। और ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अंदर जाग नहीं बनाई, लेकिन ये बटन टूट गया। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये देखें। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अंदर कुछ डाला नहीं, ना सर्फ़ डाला, ना साबुन डाला, ना वरना ये मेरा पानी ज़ाया होता। और वैसे भी मैं जब भी मशीन खोलती हूँ तो पहले मैं ऐसे ही चेक करती हूँ चलाकर कि सही चलती है। 15-20 मिनट में ऐसे ही चलाती हूँ, अगर सही चलती है तो फिर मैं अंदर साबुन वगैरह डालती हूँ, फिर कपड़े निकाल। लेकिन आज तो मैंने ये मशीन चलाई और चलाने से पहले ये बटन मेरे हाथ में आ गया, ये बटन पूरा टूट गया है, देखिए इसका जंग। अभी ये कैसे चलेगी मशीन? तो अभी कपड़े मेरे रह गए हैं, तो ये मैं हाथ के धो रही हूँ कपड़े बच्चों के। मशीन अब मैं यहाँ बाल्टियाँ भर लूँगी और पानी सब मैं ये पूरा मैं खाली कर लूँगी मशीन का। और फिर इसके बाद मैं हाथ के कपड़े धोने में पता नहीं मुझे क्यों आलस होती है, बहुत ज़्यादा आलस होती है। और ये मेरे सुबह किचन का हाल देखे आप लोग। सुबह मेरे किचन का यूँ होता है हाल। मैंने नाश्ता कर लिया है और अभी मैं किचन की सफाई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए, तो अभी मैं यहाँ का स्पेस साफ करूँगी और आपको दिखाऊँगी भी, ठीक है? और मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब मेरे पास ट्राईपॉड तो है नहीं, आप लोगों को पता है, तो अभी तो मैं फ़िलहाल इससे ही काम चला रही हूँ। इस पर भी माचिस रखूँगी और इस पर मैं अपना फ़ोन रखूँगी और तब आपको मैं अपनी शूट दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल तो इसी से काम चला रहे हैं, बस काम चल रही है। बोलते लेंगे इंशाल्लाह लेंगे, ट्राईपॉड भी लेंगे। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ अपनी ये डेली रूटीन। और मेरी वीडियोस आप लोग को, जैसे कि 2 दिन से नहीं आ रही मेरी वीडियोस, तो वो इसीलिए कि मेरे फ़ोन का कुछ मसला हो गया था और बहुत हैंग भी हो रहा था, क्योंकि मेरे यूज़ का फ़ोन और जैसे कि मैं जो शूट करती हूँ वो फ़ोन एक ही है, तो इसीलिए बहुत ही हैंग करता है। और ऊपर से मेरी अपलोडिंग, जैसे मैं अपलोडिंग पर रखती हूँ ना, तो वो बहुत उसमें टाइम लगता है। तो फिर चलिए, अभी बातें तो बहुत होती रहेंगी, काम भी शुरू करते हैं। ये देखें, ये बटन मेरे हाथ में आ गया।
पहले तो मैं गिलास ही धोती हूँ, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो पहले मैं गिलास धोती हूँ पानी का, उसके बाद मैं चाय के बर्तन धोती हूँ, उसके बाद बहुत से लोग रात में ही बर्तन धो लेते हैं, मैं भी धोती थी बीच में, लेकिन कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, उस वजह से मैं बर्तन नहीं धोती। वैसे तो मैं रात को बर्तन धो ही लेती हूँ, क्योंकि वैसे बोलते हैं ना कि रात को बर्तन नहीं रखने चाहिए, ये झूठे मैं नहीं रखती, लेकिन फिर अगर बिल्कुल थक जाते तो फिर नहीं। अभी मैंने सुबह के नाश्ते के बर्तन धो लिए, अब ये रात वाले बर्तन हैं, ये मैं फिर अभी धो रही हूँ। तो मैं ना आप लोग को पता नहीं नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बस इतने में दिखा सकती हूँ, इससे तो ज़्यादा मैं कुछ दिखा ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि अभी आपको पता है कि मेरा ट्राइपॉड तो है नहीं,
बोला तो है लेकिन अब कब आएगा देखते हैं। तो चलिए मैं ये बर्तन कंप्लीट करती हूँ। कल मैंने दाल बनाई थी, पता नहीं क्यों आप लोग में से किसको दाल पसंद है। मुझे तो पसंद है पर इतनी कुछ खास नहीं, क्योंकि दाल मुझे तो अच्छी लगती है कि दाल के पास कुछ अच्छा सा स्पाइसी हो। ये कांच की है प्लेट और पीछे ये इस तरह का गोल्डन है, पर ये सारा निकल गया। आप लोग ये देखें, ये जो मैंने ये जाली घसी ना, तो इसलिए मैंने पूरी प्लेट ख़राब कर दी, वरना ये पूरी गोल्ड थी और ये कांच की है। इसमें मेरे हस्बैंड खाना खाते हैं कांच के में। कांच की प्लेट सही रहती है वैसे, क्योंकि हमारे यहाँ खारा पानी है ना, तो या प्लास्टिक की सही होती है या फिर कांच की सही होती है, और स्टील जो है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है खारे पानी से। आप लोगों ने दिखाया खारे पानी में बर्तन ख़राब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कांच ही लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, कांच की सही होती है। धोने के बाद स्टील भी सही रहता है, लेकिन मीठा पानी हो तो मीठा पानी है तो खारे पानी में खराब हो जाते हैं। मैंने कहा कि आज मैं आपको ये दिखाऊं वीडियो, इसकी भी वीडियो होनी चाहिए ना। आपको मैंने कुकिंग की दिखाई है, मैंने आपको सुबह की नाश्ते की दिखाई है, फिर मैंने आपको अपने घर की दिखाई है, मैंने कहा कि बर्तन धोने की भी दिखानी चाहिए, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बोला था कि ये भी दिखाना, तो सबके कहना मानना चाहिए ना, क्योंकि वो लोग भी दिल से देखती है मेरी वीडियो, तो जो कहती है उसे वो करना पड़ता है। आप लोग भी बोलना, आपको किसी पसंद है, आप लोग भी कमेंट्स में बोलना कि आप लोगों को कैसी पसंद है वीडियोस, तो मैं वो भी बनाऊंगी। तो अभी मैंने बर्तन यहाँ से धो लिया, अभी दो अभी भी ये है,
तो फ्रेंड्स, मैंने अपना किचन साफ़ कर लिया है और मैंने बर्तन भी धो लिए हैं और अभी मैंने ये कपड़े धोने हैं हाथ के। तो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जो देख रहा है मेरी वीडियो तो प्लीज़ अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करना अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।